हाथरस कांड में एसआईटी से जांच, योगी की कार्रवाई पर पूरा भरोसा, यह कहना है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की जांच एसआईटी के माध्यम से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। उन्हें उम्मीद है कि निर्भया की तरह न्यायालय से आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी। गहलोत उज्जैन में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया को कवरेज की पूरी स्वतंत्रता है और उत्तर प्रदेश में कोई अघोषित आपातकाल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पारित 3 विधेयकों को लेकर कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है और किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रही है। उन्होंने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि 2-3 प्रांतों में किसान आंदोलन को कांग्रेस उकसा रही है। उनका कहना है कि जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है उसके बाद उसका विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने मंडियों के हड़ताल पर कहा कि कोई मंडियां बंद नहीं होगी और किसानों के हित में ही उचित मूल्य पर फसलों की खरीदी होगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती पर कहा कि इससे किसानों की प्रतिस्पर्धा के साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी मिलेगा। पंजाब में अकाली दल द्वारा एनडीए से अलग होने पर कहा कि उनके समय में ही यह विधेयक पारित हुआ था। वे चाहते तो लोकसभा में इसका विरोध कर सकते थे, किंतु अकाली दल ने ऐसा नहीं किया। किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए अपने प्रांत के किसानों के साथ अकाली दल आंदोलन कर रही है। इसके चलते अकाली दल एनडीए से अलग थलग हुआ है। देखो, हाथरस की घटना अत्यंत दुखी और संवेदनशील है। इसको योगी जी की सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसीलिए ये घोषणा की है कि इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलेगा और अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब केस चलेगा तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ही फैसले की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो अनियमितता पुलिस अधिकारियों ने और अन्य अधिकारियों ने की है, इसके बदले में एसआईटी की जांच के प्रथम रिपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के एसपी को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को और अन्य अधिकारियों को निलंबित किया है। आगे भी जो अपराध करने वाले दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।